हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 लेसन नंबर 5। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको चैनल पे EVS 1 के सारे लेसन की प्लेलिस्ट दिखेगी और EVS 2 के सारे लेसन की वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज लेसन नंबर 5, शिवाजीज एजुकेशन। बिगिनिंग ऑफ शिवाजीज एजुकेशन। शाहजी राजे हिमसेल्फ वॉज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत। तो शाहजी राजे, फादर ऑफ शिवाजी महाराज, ये खुद एक संस्कृत लैंग्वेज के स्कॉलर थे। इन द बैंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। तो जब शाहजी राजे बैंगलोर में थे तो इनके दरबार में, इनके अंडर, पैट्रोनेज का मीनिंग क्या है, संरक्षण में, तो इनके अंडर, इनके संरक्षण में काफ़ी आर्टिस्ट एंड स्कॉलर लोग थे, वेरियस लैंग्वेजेस के स्कॉलर लोग यहाँ पर काम करते थे। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। तो यहाँ पर शाहजी राजे ने क्या किया था कि जो इंटेलिजेंट टीचर्स थे उनको चुना था शिवाजी महाराज के एजुकेशन के लिए। शिवाजीज एजुकेशन बिगैन व्हेन ही बिकेम 7 ईयर्स ओल्ड। तो जब शिवाजी महाराज 7 ईयर्स के हो चुके थे तो उनका एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। सून शिवाजी बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब उन्होंने सीखना स्टार्ट किया तो उन्हें अच्छा स्किल मिल गया था, किसमें, रीडिंग एंड राइटिंग उनको अच्छे से आने लगा था। ही बिगन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन। तो जब उनको रीडिंग आने लगी थी तो उन्होंने खुद से रामायण, महाभारत, भगवत ये रीड करना स्टार्ट किया। टू टीच हिम वॉरफेयर शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। तो उनको वॉरफेयर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे युद्ध नीति जो होती है, युद्ध अगर करना है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, इसके लिए, ये सब बातें सिखाने के लिए शाहजी राजे ने उनके लिए काफ़ी टीचर्स को, कुछ टीचर्स को क्या किया था, वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स। तो किस तरीके से हॉर्स पे बैठकर राइड करना चाहिए, टू रेसल, किस तरीके से कुश्ती जिसे बोलते हैं हम रेसलिंग, टू यूज स्वॉर्ड्स, तलवार कैसे चलानी है, एंड दांड पट्टा, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कैसे, किस तरीके से हमें घुड़सवारी करनी आनी चाहिए, उसके बाद कुश्ती किस तरीके से लड़नी है, तलवार दांड पट्टा कैसे यूज़ करना है, ये सब उन्हें सिखाया जाता था। दस एट द एज ऑफ 12 शिवाजी बिकेम एक्वेंटेड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। तो एक्वेंटेड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे परिचित होना। तो 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज काफ़ी चीज़ों से परिचित हो चुके थे, जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स। तो जो हम बातें सीखते हैं, लर्निंग की जो बातें हैं या फिर आर्ट्स, जैसे कि स्वॉर्ड्स को चलाना, दांड पट्टा खेलना, रेसलिंग, ये सारे स्किल्स एंड आर्ट्स उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सीखना स्टार्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई देगा, शिवाजीज एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ शाहजी राजे। तो यहाँ पर आपको शाहजी राजे दिखेंगे और ये जो छोटे हैं ये क्या है, शिवाजी महाराज है, उनको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि भाला किस तरीके से फेंकना है, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ किया जाते हैं, वेपन्स को किस तरीके से यूज़ करना है, वेपन किस तरीके से पकड़ने हैं, ये सब उनको यहाँ पे सिखाया जाता था। उसके बाद देखने हमें, सुन आदिल शाह सेंड शाहजी राजे ऑन एन एक्सपेंडिशन टू कॉन्कर द स्टेट ऑफ दी नायकास लोकल चीफ इन कर्नाटक। तो यहाँ पे ये शाहजी राजे जो थे किन के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे आदिल शाह के लिए काम कर रहे थे। तो उनको एक्सपेंडिशन, एक्सपेंडिशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि अभियान या फिर कोई मुहिम होती है, तो उनको इस मुहिम के लिए, अभियान के लिए चुना गया था कि उनको क्या करना था कि कर्नाटक में जो नायकास थे या फिर लोकल चीफ्स थे, या इनको क्या करना था, उनके स्टेट को जीतना था। कॉन्कर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जीतना था उन्हें स्टेट को कर्नाटक के। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन शाहजी राजे वेंट सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। तो इस मुहिम के लिए जाने से पहले शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई को उन्हें कहाँ पे भेजना था, पुणे भेजना था। विद देम ही सेंट एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले शाहजी राजे ने क्या किया कि शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई को कहाँ पे भेजा, पुणे भेजा, और उनके साथ काफ़ी सारे एलिफेंट्स, हाथी भेजे, घोड़े भेजे। इन्फेंट्री का मीनिंग क्या होता है, पैदल सेना, जो लोग, जो सैनिक होते हैं पैदल चल के जाते हैं या पैदल युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इन्फेंट्री। और ट्रेजरी, खजीना जिसे बोलते हैं हम, खजीना दिया उनके साथ। फ्लैग एज अल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर, तो उनके जो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे उन लोगों को भी उनके साथ भेजा। ब्रेव जनरल्स एंड रीनो टीचर्स, तो उनके साथ टीचर्स को भी भेजा गया। और उसके बाद शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई को इन सब के साथ पुणे भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है
रिजुवेनेशन ऑफ पुणे। तो रिजुवेनेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि जो पुणे की जो स्थिति थी पहले, कंडीशन थी, उसको काफ़ी बेटर बनाया गया है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ को जैसे है उससे ज़्यादा बेटर बनाना, मतलब क्या, रिजुवेनेशन। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। तो जब शाहजी राजे ने जीजाबाई एंड शिवाजी को पुणे भेज दिया यहाँ पे, शिवाजी रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंड ऑन शिवनेरी। तो उन्हें क्या याद आने लगा कि शिवनेरी पे उन्होंने कैसे, किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया था, वो सब बातें उनको याद आने लगी। ही कुड सी द लॉफ्टी पिक्स। तो लॉफ्टी पिक्स का मीनिंग क्या होती है, बड़ी चट्टानें उनको क्या होने लगी यहाँ पे, दिखने लगी थी सह्याद्री की। लॉफ्टी पिक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो सह्याद्री के जो लॉफ्टी पिक्स है, खड़ी चट्टान है, उनको देख कर वो काफ़ी खुश हो गए। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी। तो आज जैसे जिस तरीके से पुणे सिटी हमें दिखती है, उस तरीके की बड़ी सिटी नहीं थी। इट वॉज टोटली डिवास्टेड बाय शाहजी राजेज एनिमी। तो डिवास्टेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था किन्होंने, शाहजी राजेज के जो एनिमीज थे, जो शत्रु थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो पुणे पुणे था उनका जहागीर, तो उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, डिवास्टेड कर दिया था। तो नेक्स्ट पेज पर हमें देखना है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ वेयर डैमेज। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। हाउसेज़ वेयर डीमोलिश। तो डीमोलिश का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उद्ध्वस्त कर देना। तो वहाँ के जो लोग थे उनके घरों को क्या कर दिया था, डीमोलिश कर दिया था, उद्ध्वस्त कर दिया था। टेम्पल्स हैड कोलैप्स। कोलैप्स का मीनिंग क्या, पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें गिरा दिया था, ख़राब कर दिया था। उसके बाद द फ्राइटन पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस। तो यहाँ पे लोगों ने घबरा के, डर के मारे क्या कर दिए थे, अपने गांव को छोड़ दिया था। फ्लेड का मीनिंग क्या है, छोड़ देना। तो इन्होंने अपने गांव तक छोड़ दिए थे। फील्ड्स हैड बिकम अ बैरन। बैरन का मीनिंग क्या, बंजर हो गई थी। अगर लोग ही वहाँ पे नहीं बचे थे, वो खेती ही नहीं कर रहे थे, तो ज़मीन कैसी हो जाएगी, बैरन, बंजर बन जाएगी। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन। वुल्स रोम इन द कंट्री साइड। पुणे दस वॉज टोटली इन शैम्बल एंड रुइंस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके की कंडीशन हो गई थी पुणे की वहाँ पे, कि एक तरीके से खंडर हो गया था। शैम्बल्स मीन क्या, खंडर, एंड रुइंस का मीनिंग क्या होता है, कि बर्बाद कर दिया था पूरी तरीके से। तो शाहजी राजे के जो एनिमीज थे, इन्होंने पूरी तरीके से उनके जागीर को, पुणे को डैमेज कर दिया था, उनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दिया था, घरों को गिरा दिया था, जो मंदिर थे उनको भी गिरा दिया था। और लोगों ने फिर डर के मारे क्या कर दिया, अपने गाँव छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, अपनी ज़मीन तक छोड़ दी थी। और इसके कारण पुणे जो उस टाइम का जो पुणे था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। व्हेन द पीपल लिविंग अराउंड केम टू नो दैट जीजाबाई हैज़ रिटर्न टू पुणे विद शिवाजी, दे टू हार्ट। तो यहाँ पे जब लोगों को ये पता चला कि अभी जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ फिर से पुणे लौट आई है, तो फिर उनको तसल्ली मिली। जीजाबाई कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड रीअश्योर देम दैट दे वुड बी सेफ इन पुणे। तो जीजाबाई ने सब लोगों को बुलाया और उनको रीअश्योर किया, ये उनको हिम्मत दी कि अभी वो लोग यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, कल्टिवेटिंग देयर लैंड। तो सारे जो लोग भाग चुके थे वहाँ से, वो फिर से वापस आए और वहाँ पे रहने लगे, अपने खेती फिर से उन्होंने करना स्टार्ट किया। जीजाबाई हैड द डिलैपिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर। तो डिलैपिडेटेड का मीनिंग क्या होता है, जीर्ण। जो मंदिर गिर चुके थे, खराब हो चुके थे, ऐसे जो टेम्पल्स थे उन्होंने क्या किए, रिपेयर किए। इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगैन मॉर्निंग एंड इवनिंग। एक बार मंदिर बन गए तो लोग वहाँ पे आने लगे, प्रेयर करने लगे सुबह शाम। द टाउन वॉज अगेन थ्रोम्बिंग विद पीपल, दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसपोर्ट। तो थ्रोम्बिंग का मीनिंग क्या है, कि लोग फिर से वहाँ पे आने जाने लगे, लोगों का राबता जिसे बोलते हैं ना, कि वहाँ पे आना जाना जो लोगों का रहने लगा। द टाउन वॉज अगेन थ्रोम्बिंग विद पीपल, दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसपोर्ट। तो पहले जो पूरी तरीके से पुणे बर्बाद हो चुका था, वो अभी कैसे है, अच्छा दिखने लगा था, टोटली ट्रांसफर्ड हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव। व्हेन जीजाबाई एंड शिवाजी वेयर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक आफ्टर द पुणे जागीर। तो जब जीजाबाई, शिवाजी महाराज ये सब कर्नाटक में थे शाहजी राजे के साथ, उस टाइम दादाजी कोंडदेव जो थे, ये पुणे जागीर को संभाल रहे थे। ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना अल्सो। तो कोंडाना जो फोर्ट है वहाँ के ये सूबेदार थे। ही वॉज वेरी फेथफुल, ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशियंट एंड होनेस्ट इन हीज वर्क। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अपने काम के प्रति ईमानदार थे। ही वॉज अल्सो जस्ट एन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर।
तो इनका जो डिसिप्लिन था ये उसके बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अनुशासक थे, कि अनुशासन में रहना, अनुशासन से चलना ही उन्हें क्या होता था, अच्छा लगता था। ही सर्व विथ डिवोशन एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बिल्ट इन पुणे बाय द ऑर्डर्स ऑफ शाहजी राजे। तो शाहजी राजे के ऑर्डर के अनुसार पुणे में एक बड़ा वाड़ा बोल सकते हम, तो बड़ा सा वाड़ा वहाँ पे बनाया गया। इट केम टू बी नोन एज लाल महल, तो उसे ही क्या नाम दिया गया, यहाँ पे लाल महल पुणे में बनाया गया। टू एनकरेज द पेजेंट टू टील देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशन इन द लैंड टैक्स फॉर अ फ्यू ईयर। तो पेजेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फार्मर्स, जो किसान थे, उनकी खेती बंजर हो चुकी थी, इसके लिए दादाजी कोंडदेव ने क्या किया कि उनको, उनसे जो टैक्स ले रहे थे उनमें उन्हें क्या दिया गया, कंसेशन दिया गया, कुछ सहूलत दी गई थी फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए, क्योंकि उनके ज़मीन में किसी भी तरीके का क्या बोलते हम क्रेन क्रॉप्स नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए उनसे जो टैक्स था कुछ सालों के लिए उन्हें वहाँ पे कंसेशन मिल गया था। ही ऑफर्ड प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड एंड हरस द पेजेंट्स। तो जो वुल्स वहाँ पे आने लगे थे, लोगों के खेती में जाके उनको परेशान कर रहे थे, या फिर यहाँ पे किसानों को काफ़ी नुकसान हो चुका था, तो ऐसे लोगों को उन्होंने प्राइजेस भी ऑफर किए। मैनी वुल्स वेयर किल्ड, तो कुछ जो ऐसे थे उल्स को उन्होंने मार भी दिया था। ही रेस पेजेंट पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स हु रोम द कंट्री साइड। तो जो चोर लोग थे या फिर चोर आते जाते थे वहाँ पे उनके लैंड में, और किसान लोग थे, फार्मर थे, उनको परेशान करते थे, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। ही फिक्स लैंड रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने क्या की थी, खेती को डिवाइड कर दिया था। ही दस मेड द पीपल, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ही मेड द पीपल हैप्पी, तो इन्होंने क्या कर दिया था, लोगों की मदद करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको खुश कर दिया था। इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रिवेन्यू कलेक्शन द वर्क डन बाय दादाजी कोंडदेव एंड द निज़ामशाही वजीर मलिक अंबर इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे बात होती है एग्रीकल्चर की, या फिर रिवेन्यू जो कलेक्शन करते थे, इसके लिए अगर किसी का काम बड़ा था, तो दो ही नाम थे उस टाइम, दादाजी कोंडदेव, और दूसरा नाम था निज़ामशाही वजीर जो था मलिक अंबर। तो इन दोनों का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शिवाजी एजुकेशन, वेन शिवाजी रिटर्न टू पुणे हिज एजुकेशन कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो एजुकेशन उस टाइम चल रहा था, जब वो कर्नाटक में थे तब भी उनका एजुकेशन चल रहा था, लेकिन जब वो पुणे वापस आए तो उस टाइम में जीजाबाई के सुपरविजन में, उनके मदर के सुपरविजन में उनका एजुकेशन चल ही रहा था। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बैंगलोर जीजाबाई एंड शिवाजी वेयर अकम्पनेड बाय एमिनेंट टीचर्स सेंड बाय शाहजी राजे। तो जब जीजाबाई एंड शिवाजी महाराज वापस आए थे, तो किन के साथ वापस आए थे, अकम्पनेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, किस साथ, तो किसके साथ आए थे, वो टीचर्स के साथ, एमिनेंट टीचर्स। तो जो शाहजी राजे ने उनके लिए टीचर्स को चूज़ किया था, प्रख्यात टीचर जिसे बोलते हैं हम, एमिनेंट मतलब क्या, प्रख्यात, जो काफ़ी जाने माने लोग थे, ऐसे लोगों को उनका टीचर बना के शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई के साथ उनको भेजा था। दे टॉट हिम मेनी साइंसेस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस। तो ये जो टीचर थे उन्हें क्या पढ़ाते थे, डिफरेंट टाइप के साइंसेस, उसके बाद लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस उनको सिखाया करते थे। शिवाजी एक्वायर द नॉलेज ऑफ एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो राज्य किस तरीके से करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, ये बातें उन्होंने सीखी। वॉर टैक्टिक्स, फोर्ट आर्किटेक्चर, सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये जो टीचर थे उनके उन्हें सिखाने लगे कि किस तरीके से युद्ध नीति आनी चाहिए, युद्ध में कौन से टैक्ट को हमें यूज़ करना चाहिए, या फिर फोर्ट अगर बनाने हैं तो आर्किटेक्चर किस तरीके का होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट, तो युद्ध में उस टाइम हॉर्सेस और एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था, तो उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट एनिमी टेरिटरीज एंड मेनी अदर थिंग्स, तो अगर किसी एनिमी जो होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, इनमें जो अगर हम फंस जाते हैं, तो वहाँ पे एस्केप मतलब क्या, किस तरीके से उनके कब्जे से हमें छूटना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, या फिर जो मतलब युद्ध करने के लिए जो नीतियाँ यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें उनके टीचर ने उन्हें सिखाया था। शिवाजीज़ प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज जीजाबाई वेरी मच, तो शिवाजी महाराज का जो एजुकेशन चल रहा था उस प्रोग्रेस में
जो ज़्यादा हाथ था किनका था, जीजा भाई का, उनकी जो मदर थी उन्होंने भी काफ़ी सहयोग यहाँ पे दिया है। व्हाट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी, तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को क्या सिखाया था। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमेन, शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखुजराव जादव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वैलियंट शाहजी राजे। तो ये कोई सीधी सादी वुमेन हम नहीं बोल सकते थे इनको, क्योंकि ये किन की लड़की थी, सरदार लखुजराव जादव ये इनके पिता थे और शाहजी राजे इनके हस्बैंड थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो चीज़ें इन लोगों से सीखी थी। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर फ्रॉम हर इन्फांसी, तो बचपन से, इन्फांसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बचपन से उन्होंने मतलब वॉरफेयर क्या होता है, युद्ध नीति क्या है, पॉलिटिक्स राजकारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन से सीखी थी। इन हर वॉज विटनेस द कन्फ्लुएंस ऑफ द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द फेमस हाउसेस ऑफ द जादव एंड भोसलेस, तो जैसे कि वो जादव घराने थी और भोसले घराने में शादी के बाद आई थी, तो इन दोनों घरानों से उन्होंने क्या सीखी थी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। शी वॉज ए फ्रीडम लविंग पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, तो ये काफ़ी मतलब इनको स्वतंत्र अच्छा लगता था कि लोगों को स्वतंत्रता किस तरीके से मिलनी चाहिए, इस बारे में वो हमेशा सोचती थी। शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस दैट हाउ योर मच मराठा सरदार डिस्प्लेड वैल्यूअर इट वॉज नॉट अप्रिसिएटेड इन द कोर्ट ऑफ द सुल्तान, तो उन्हें बीटर एक्सपीरियंस मतलब क्या, ऐसे कुछ ख़राब एक्सपीरियंस उन्होंने देखे थे कि मराठा सरदार्स को सुल्तान के कोर्ट में, मतलब सुल्तान जो थे उस टाइम के, उनके दरबार में कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता था। शी हैड वैलेंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि जो लखुजीराव जाधव थे, इनके फादर, जीजाबाई के जो फादर थे, इनको निज़ाम शाह ने उनके ओपन दरबार में, खुले दरबार में ही उनको मार दिया था। सो इस कारण से उन्हें काफ़ी शॉक लगा था। She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the services of others. तो इसीलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि उनका जो बेटा है शिवाजी महाराज जो है, किसी के भी दरबार में काम नहीं करेंगे। He would establish the rule of his own people, स्वराज। तो यहाँ पे उनका ये मानना था कि शिवाजी महाराज उनका खुद का स्वराज बनाए, वह उनके खुद के रूल हो जो लोगों के लिए अच्छे हो। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल, और इसी कारण वो क्या करते थे, शिवाजी महाराज को अच्छे चीज़ें सिखाते थे। द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेयर कॉल्ड मावलाज, तो मावलाज किसे बोला जाता है, जो मावल रीजन में रहने वाले लोग थे। दे वेयर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड अ क्विक फुटेड, तो ये लोग कैसे थे, लॉयल थे, ईमानदार थे, हार्ड वर्किंग काफ़ी कष्ट मेहनत करने वाले थे, और क्विक फुटेड तुरंत से काम करने वाले ऐसे लोग थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस, तो कोई भी उनकी तरह हार्डीनेस नहीं दिखा सकता, ऐसे लोग थे। बट दे वेयर हराश बाय द सुल्तान्स रूल, लेकिन उन लोगों को सुल्तान जो थे उनके रूल्स के कारण वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस, तो प्लंडर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि उन्होंने क्या किया, छोड़ने पर मजबूर कर दिया था लोगों को, उनके जो विलेज थे वहाँ पे लूटपाट मचा रखी थी, इसके कारण लोग क्या कर रहे थे, अपने गांव छोड़कर भाग रहे थे। फोर्सिंग द पीपल टू एबेडन देयर प्लेसेस, इसी कारण लोग क्या कर रहे थे, एबेडन का मीनिंग क्या है, छोड़कर भागना, तो ये लोग क्या कर रहे थे, इसी कारण अपने फील्ड को, अपने ज़मीन को, गांव को छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे। नो बड़ी केयर फॉर देम, कोई भी उनकी केयर नहीं कर रहा था। शिवाजी यर्न टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर मिजरेबल पीपल, तो इसी कारण ये सब देख के, अर्न का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि शिवाजी महाराज को ये सब देख के क्या बुरा लगता था, टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर, तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि हमें इन लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। मिजरेबल का मीनिंग क्या है, दुखी, तो ये जो दुखी लोग हैं इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे उन्हें हमेशा लगता था। ऑन रिटर्निंग होम शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर, तो जब भी वो घर पे आते थे तो अपने मदर के साथ इन सब बातों के बारे में बात किया करते थे। जीजाबाई वुड से, तो जीजाबाई उनको क्या कहती थी, शुभा श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसलेस, तो श्री रामचंद्र जो है किनके पूर्वज है, कि भोसले घराने के पूर्वज कौन है, यहाँ पे श्री रामचंद्र थे। रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी, तो हमें पता है कि भगवान राम ने क्या किया था, रावण को मारा था और लोगों को खुश कर दिया था वहाँ पे, और लोगों को उन रावण से क्या किया, यहाँ पे बचाया था। द एंसेस्टर ऑफ दादवाज इज श्री कृष्णा, तो जादवाज जो थे उनके पूर्वज कौन थे, श्री कृष्णा।
ही किल्ड कंस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल। तो श्री कृष्णा ने क्या किया था कि कंस को मार के लोगों को उनसे बचाया था। यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड श्री कृष्णा। तो आप जैसे कि भोसले एंड जादव दोनों घरानों से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप क्या हो, वंशज हो श्री राम एंड श्री कृष्णा के। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीक एंड मेक यूअर सब्जेक्ट हैप्पी। तो यहाँ पे वीक का मीनिंग क्या है कि राक्षस। तो आपको यहाँ पे जो सुल्तान से या फिर जो भी सल्तनत वहाँ पे है कि ये जो राक्षस है जो हमारी जनता को परेशान करते हैं, इनको आपको मारना है। और सब्जेक्ट्स हैप्पी मतलब कि हमारी जनता को क्या करना है, खुश करना है। ये सब बातें कौन सिखाती थी, वीर माता जीजाबाई। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगा, देखो वीर माता जीजाबाई का। दीज वर्ड्स ऑफ जीजाबाई वेर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यंग शिवाजी। तो शिवाजी महाराज छोटे थे लेकिन अपनी माँ की जो बातें थी ये उन्हें इंस्पायर करती थी। ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डीड्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास्ट लाइक रामा कृष्णा भीम अर्जुन। तो जब जीजा माता उनको इन सब की स्टोरी या सुनाती थी, भगवान राम की, कृष्ण की, भीम की, अर्जुन की, तो इन सब बातों से उन्होंने क्या सीखा था कि किस तरीके से ये सब हीरोज़ ने अपनी वीरता दिखाई थी। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेदर एस्लीप और अवेक। ही फील दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डिड। तो यहाँ पे इन सब बातों से उन्होंने यही सीखा था कि मुझे भी क्या करना है, इनजस्टिस मतलब क्या, अन्याय। तो मुझे भी क्या करना है कि अन्याय के खिलाफ फाइट करना है, आवाज़ उठाना है और लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बचाना है। एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द वीक एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू ही सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ये शैतान लोग हैं इनको क्या करना है, मारना है, और मेरी पूरी प्रजा को क्या करना है, हैप्पी करना है। ही थॉट दैट ही शुड बिकेम करेजियस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरोज ऑफ ओल्ड। तो यहाँ पे उन्हें क्या लगता था कि जो भी ओल्ड हीरोज जैसे कि भगवान कृष्ण, रामा, भीम ये हो चुके हैं, तो इनकी तरह ही उन्हें क्या करना है, शूरवीरता दिखानी है और अपनी प्रजा को क्या करना है, खुश करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है द न्यू रिगेम ऑफ शिवाजी। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, द न्यू रिजम ऑफ शिवाजी। इन पुणे जागे द न्यू रिजम ऑफ शिवाजी बिगैन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि जीजाबाई उनके माता के गाइडेंस के अंडर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया था। शाहजी राजे हैज़ ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशन फॉर दिस। तो शाहजी राजे ने ऑलरेडी उनका पूरा प्रिपरेशन करा दिया था कि किस तरीके से उनको शासन करना है। मैं शाहजी राजे सेंड शिवाजी फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे। ही सेंड सम वेरी पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस पीपल विथ हीम। तो उन्होंने क्या किया था कि जो प्रेस्टिजियस मतलब क्या, प्रतिष्ठित जो लोग थे, उनके भरोसे वाले या फिर प्रख्यात प्रतिष्ठित जो लोग थे, इनको शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई के साथ उन्होंने भेजा था। देवेर सम्राज नीलकंठ पेशवे। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं कि कौन से लोगों को भेजा है, सम्राज नीलकंठ पेशवे, उसके बाद बाल कृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मनकोजी दहातोंडे सरणोबत, रघुनाथ बलाल सबनीस, सोनोपंत दबीर, दीज वेर ऑल एबल मैन फिट टू एडमिनिस्टर एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो ये जो सारे लोग थे ये क्या कर सकते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेट फॉर्म कर सकते थे और इंडिपेंडेंट किंगडम अपना बना सकते थे, इसलिए इन सारे लोगों को उन्होंने भेजा था। शाहजी राजे हैड स्पेशली डेप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इन सब लोगों को पुणे भेजा था शिवाजी महाराज की हेल्प करने के लिए। हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। तो उनकी जो जागीर थी वहाँ पे उनका अपना सरकार किस तरीके से बन सके, इसीलिए उन सारे लोगों को उन्होंने भेजा था। विद देयर हेल्प शिवाजी बिगन टू एडमिनिस्टर हिज जागीर टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे उन्होंने अपना शासन क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था और लोगों के ग्रीवेंसेस मतलब क्या, लोगों की जो भी शिकायतें थी उनको दूर करने का काम वो कर रहे थे। दोज हु इन्फ्लेक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रयत वेयर पनिश। जो लोग यहाँ पे रयत मतलब क्या, प्रजा, जो भी लोग थे उनके ऊपर कोई अगर इनजस्टिस मतलब अन्याय करता था तो उनको पनिशमेंट देने का काम भी करते थे। इन अ वे शाहजी राजे जागीर वॉज अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए जो शाहजी राजे की रयत थी, जो जागीर थी, ये अभी क्या हो रही थी, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। द मावलाज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज। तो यहाँ पे ग्लिम्स का मीनिंग क्या होता है कि झलक।
तो यहाँ पे लोगों को उनके कारण एक झलक दिखने लगी थी कि किस तरीके से, मतलब फ्यूचर स्वराज कि आगे होने वाला या फिर जो स्वराज बनने वाला है उसकी एक झलक अभी दिखना स्टार्ट हुआ था। इट वॉज़ एज इट वेयर द डाउन ऑफ स्वराज, तो यही स्टार्टिंग थी कि स्वराज बनने वाला था। शिवाजी इज़ मैरिज, इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, तो उस टाइम क्या होता था कि शादियाँ जल्दी हो जाती थी। सो जीजा माता सेड वी शुड नाउ गेट शुभा मैरिड, तो जीजा माता ने क्या कहा कि अभी ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज की क्या शादी होनी चाहिए। देन अ सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शुभा बिगन, तो उनके लिए एक ब्राइड मतलब वधू ढूंढना स्टार्ट हो चुका था। सून शी फाउंड द गर्ल शी वॉन्टेड, तो उनको जिस तरीके की लड़की चाहिए थी वैसी लड़की उनको मिल गई। हर नेम वॉज सई बाई, तो उनका नाम क्या था, सई बाई। सई बाई केम फ्रॉम द निम्बलकर फैमिली ऑफ फल्टन, तो ये कहा कि थी निम्बलकर फैमिली से थी जो फल्टन से थी। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट स्प्लेंडर, तो धूमधाम से क्या किया, भव्यता से, स्प्लेंडर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, धूमधाम से या फिर भव्यता से उनकी यहाँ पे मैरिज कर दी गई, सेलिब्रेट कर दी गई। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर लेसन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।